good morning students today we will start a new chapter of corporate accounting which is paper first of abst uh, and your chapter name is issue of debentures debentures you all know what is debentures uh, you have been studying about debentures uh, from 11th and 12th class now we will uh, we are repeating same entries of debenture which you have already studied in your school time uh, we have learnt about entries of issue of shares now फॉर डिबेंचर्स ऑल्सो वी हैव सेम एंट्रीज ऑफ इश्यू एज ऑफ प्रिफ्रेंस एंड इक्विटी शेयर्स फर्स्ट लेट मी गिव यू ब्रीफ इंस्ट्रोडक्शन अबाउट डिबेंचर्स वॉट इज डिबेंचर्स ये ऋण पत्र होते हैं ऋण पत्र नाम है आपका ऋण और पत्र यानी कि एक कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक ऋण होता है ऋण पत्र खरीदने वाले ऋण पत्रधारी कहलाते हैं जिस तरीके से अंश को खरीदने वाले अंशधारी कहलाते हैं तो ऋण पत्र कंपनी का एक ऋण होता है कंपनी मार्केट से कंपनी को जब ज़रूरत होती है फ़ंड अपना बढ़ाना सॉरी फंड नहीं कंपनी को फाइनेंस चाहिए होता है अपने फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए इनोवेशन के लिए एक्सटेंशन के लिए तो कंपनी मार्केट से लोन उठाती है उस लोन को लोन किसी इंस्टीट्यूशन से ना लेके जब कंपनी जनता से लोन लेती है तो वह पत्र के रूप में लेती है जिस तरीके से अधिमान अंशों के साथ एक निश्चित प्रतिशत फिक्स होता है लाभांश का उसी तरीके से ऋण पत्रों के ऊपर भी एक निश्चित लाभांश फिक्स होता है लेकिन कंपनी यहाँ पे उस निश्चित प्रतिशत से अपने लाभ में से ऋण पत्रों के ऊपर ब्याज देती है क्योंकि ये लोन होता है एक तरीके से पब्लिक से लिया हुआ तो इसके बदले में कंपनी पब्लिक को क्या देती है अपने लाभ में से ब्याज देती है ठीक है इसके विपरीत अंशों पर प्रिफ्रेंस हम प्रिफ्रेंशियस की बात करें तो उस पर कंपनी क्या देती है लाभांश देती क्यों क्योंकि वो लोन नहीं होता वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है तो ये अंतर है आपके डिवेंचर्स में और शेयर्स में ये अंतर आगे एक टेबल के थ्रू और मैं आपको क्लियर करवाऊँगी पहले मैं आपको बताती हूँ डिवेंचर्स कितने प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स देखिए फर्स्ट इज़ रजिस्टर्ड डिबेंचर रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होता है कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है अपने डिवेंचर होल्डर्स का उसमें वो शेयर जो डिवेंचर होल्डर है उसका नाम एड्रेस और बाकी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स रखती है तो ऐसे जो आपके डिबेंचर्स होते हैं वो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कहलाते हैं ऐसे डिवेंचर्स को ट्रांसफ़र करने पे भी कंपनी को पूरा जो प्रॉपर चैनल है वो फॉलो करना पड़ता है अपने डिवेंचर्स को सेल करने के लिए नेक्स्ट है आपका बियर डिबेंचर बीअर डिबेंचर यानी वाहक ऋण पत्र वाहक ऋण पत्र आपके वो डिबेंचर्स होते हैं जो आप बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के अगर किसी और डिबेंचर किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं उसमें आपको किसी तरीके की रिटर्न फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे डिबेंचर्स को क्या होता है जिसके पास भी डिबेंचर होते हैं वो डिबेंचर कूपन ले डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो लेने के लिए अपने कूपनस को कंपनी के सामने प्रस्तुत कर सकता है तो इसमें अलग आ, कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती तो रजिस्टर्ड पत्रों में तो ऋण पत्रों पर दे ब्याज होता है उसकी निर्गमक कंपनी द्वारा उसी व्यक्ति को चुकाया जाता है जिसका नाम कंपनी के ऋण पत्र पत्रधारों के रजिस्टर में अंकित है परंतु ये मैंने आपको पहले की बात बताई रजिस्टर वाले में लेकिन वाहक ऋण पत्र जो अभी हम बियर की बात कर रहे हैं उसमें ब्याज उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उसका धारक है अब धारक यानी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दे दिया और वो ले जाके डिबेंचर के लिए प्रस्तुत करता है तो वो उसका ब्याज उसी को मिलेगा नेक्स्ट है आपके मोर्डगेज और सिक्योर डिबेंचर यानी बंधक या जमानती या सुरक्षित ऋण पत्र इनको बोला जाता है मोडगेज या जमानती का मतलब होता है ये कंपनी की अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं जैसे कि अचल संपत्तियों पर भूमि या भवन पर तो ऐसे पत्र जो होते हैं उनके धारकों के लिए प्रन्यासियों के पास कंपनी की कोई विशिष्ट अथवा समस्त संपत्तियां जमानत के रूप में रखी हुई रहती हैं नेक्स्ट देखिए ये उस तरीके से ही हो गया जैसे कि हम किसी से लोन देने के बदले कोई चीज़ गिरवी रखवाते हैं ये मोडगेज सब बिल्कुल गिरवी रखवाने के लिए ही यूज़ में किया जाता है नेक्स्ट देखिए नेक्ड और अनसिक्योर डिबेंचर्स यानी गैर जमानती या नग्न या असुरक्षित पत्र इनको बोला जाता है हिंदी में ऐसे पत्र होते हैं जो बिना किसी बिना किसी आपके मोडगेज के रखे जाते हैं यहाँ पर कोई सिक्योरिटी के अगेंस्ट इनको नहीं जारी किया जाता तो ऐसे जो ऋण पत्र होते हैं उनका ब्याज असुरक्षित रहता है दूसरे हैं नेक्स्ट हैं आपके परिवर्तनीय ऋण पत्र कन्वर्टिबल डिवेंचर जैसे कि हमने इक्विटी के लिए भी प्रिफ्रेंस के लिए भी इन शब्दों इन शब्दों को हमने पढ़ा है कन्वर्टिबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जो एक निश्चित सीमा के बाद यानी निश्चित अवधि के बाद उनकी राशि को पूर्णतया आप इक्विटी अंशों में परिवर्तित करवा सकते हैं या कंपनी उनको परिवर्तित कर सकती है नेक्स्ट है आपके अशोध्य इ यानी कि जो जब तक कंपनी रहेगी अपने जीवन काल में या जब तक कोई जो घटना है कोई घटना ना घट जाए ऐसी जिसके होने पर कंपनी को वो पत्रों का शोधन करना पड़े तब तक जीवन काल में ये ऋण पत्र कंपनी के जीवन काल में ये पत्र रहते हैं नेक्स्ट है रिडीमेबल जस्ट ऑपोजिट ऑफ इ शोध्य यानी कि ये एक निश्चित अवधि के बाद इनको वापस कर दिया जाएगा रिडीम कर दिया जाएगा नेक्स्ट है प्रथम फर्स्ट डिबेंचर्स फर्स्ट डिबेंचर्स वो होते हैं जिनको कंपनी प्रेफरेंस देती है ब्याज देने में यानी कि ऐसे ऋण पत्र जिनके जिनको सर्वप्रथम किया जाना तय हुआ है वो प्रथम ऋण पत्र कहलाते हैं ऐसे ऋण पत्रों को शोधित कर देने के बाद पुनः निर्गमित भी किया जा सकता है जस्ट इसका ऑपोजिट नेक्स्ट देखते हैं सेकंड डिबेंचर्स ऑपोजिट नहीं कह सकते हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट के बाद सेकंड डिबेंचर्स आते हैं ये वो ऋण पत्र होते हैं जिनको प्रथम ऋण पत्रों का भुगतान करने के बाद में इनका भुगतान किया जाता है इसी प्रकार कंपनी आगे चाहे तो तृतीय ऋणपत्र चतुर्थ ऋणपत्र आदि भी प्राथमिकता वाले अलग अलग तरीके के ऋणपत्र भी निर्गमित कर सकती है तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आपके टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में हिंदी में मैंने समझाया इंग्लिश में मैंने लिख भी रखा है क्योंकि मिक्स हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के तो मैं दोनों में कोशिश कर रही हूँ दोनों लैंग्वेजेस में बोलने की ताकि आप लोगों को समझ में आए चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट देखिए ये टेबल बना रखिए अंश एवं ऋण पत्र में अंतर ये क्वेश्चन थ्योरी में चार नंबर में कई बार पूछा जाता है कई बार दो अंतर आपसे पूछ लिए जाएंगे दो नंबर में कई बार चार नंबर में आपसे पूछ लिए जाएंगे तो आप इस तरीके से टेबल बना के एक्सप्लेन करेंगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि अगर आप टेबल बना के पॉइंट वाइज प्रेजेंट करते हैं तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम रहते हैं अगर आपने अपनी लैंग्वेज पर अच्छे से कंट्रोल रखा है तो देखिए इनका डिफरेंस समझते हैं पूंजी अथवा ऋण अंश पूंजी होती है क्योंकि जब एक कोई अंशधारी कोई व्यक्ति खरीदता है अंश अंश लेकर तो वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है जबकि अगर वो ऋण पत्र खरीदता है तो वो कंपनी जो ऋण दे रही है वो वो कंपनी को ऋण दे रहा है वो कंपनी पर ऋण का हिस्सा हो रहा है धारक संबोधन अंश के धारक क्या कहलाते हैं अंशधारी और ऋण पत्र के ऋण पत्रधारी स्वामित्व की प्रकृति जो अंश होल्ड जो आपके शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं और जो डिबेंचर होते हैं वो कंपनी के ऋणदाता होते हैं यानी कि वो कंपनी के Uh, स्वामी नहीं होते लाभांश ब्याज मैंने आपको अभी बताया अंशों पर लाभांश दिया जाता है और ऋण पत्र पर ब्याज दिया जाता है लाभांश ब्याज की दर अंशों पर जैसे प्रिफ्रेंस में तो अधिमान अंश पे तो आपके फिक्स होती है लेकिन इक्विटी शेयर्स पे आपके फिक्स नहीं होती जबकि किसी भी प्रकार के ऋण पत्र पर ये ब्याज की दर फिक्स होती है देखिए ब्याज ऋण पत्र में देखिए ब्याज की दर हमेशा पूर्व घोषित होती है तथा सामान्य स्थिति दर होती है परंतु वर्तमान में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले ऋण पत्र भी निर्गमित होने लगे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगी इसमें कंपनी के प्रॉफिट के साथ जो डिबेंचर्स की जो रेट है वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है पुनर्खरीद कंपनी चाहे देखिए अंश का देखिए कंपनी चाहे तो कंपनी अधिनियम तेरह की धारा सिक्सटी एट के अंतर्गत अपने स्वय के अंशों को पुनर्खरीद कर सकती है पुनर्खरीद किए गए अंश रद्द करना अनिवार्य है यानी कंपनी चाहे तो मार्केट में से अपनी इक्विटी शेयर्स वापस खरीद सकती है ऋण पत्र के लिए भी यह व्यवस्था है कंपनी चाहे तो ऋण पत्रों को वापस खरीद के उन्हें कैंसिल कर सकती है दोबारा कहीं इन्वेस्ट कर सकती है या उनको फर्दर रीइश्यू कर सकती है तो इसमें ये कह सकते हैं कि ऋण पत्रों में हमें पुनर्खरीद के बाद ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और अंश में हमें लिमिटेड ऑप्शन यानी कि हमें उनको रद्द करना पड़ता है नेक्स्ट देखिए समापन के समय भुगतान प्राथमिकता अब क्योंकि अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं इंटरनल लाइबिलिटी है तो कंपनी के जो बाहरी दाय, बाहरी दायित्व हैं बाहरी लाइबिलिटी उनको एक्सटर्नल जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको सारा पेमेंट करने के बाद जो बचता है रेसिजुअल उसमें उनको हिस्सा मिलता है तो ये देखिए आपके यहाँ पे इक्विटी जो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पहले प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी भुगतान करने के समय और ऋण पत्र धारियों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी समापन के समय अधिक के संपत्तियों पर अधिकार सेम वही पॉइंट है यहाँ पर भी तो अंशधारियों जो होते हैं उनको पहले ऋण पत्र धारियों को चुकाया जाता है उसके बाद अंशधारियों का नंबर आता है अब अंशों में भी पहले प्रेफरेंस को दिया जाता है फिर इक्विटी के लिए बचता है जबकि जो ऋण पत्रधारी होते हैं उन उनको एक्स दिया जाता है अब ये जो आधिक के संपत्तियों के अधिकार की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एट पॉइंट में तो जो आधिक्य होता है संपत्तियों पर उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के स्वामी होते हैं देखिए समस्त दायित्वों एवं अंश पूंजी को चुकाने के पश्चात शेष रहे संपूर्ण अधिक्य पर इक्विटी अंशधारियों का अधिकार होता है जबकि ऋण पत्र धारियों का केवल जो उनकी ब्याज की राशि है उस पर अधिकार होता है और जो शेष अधि आधिक्य बचता है उसके ऊपर ऋण पत्र धारियों का कोई अधिकार नहीं होता यानी चाहे कि कंपनी को कितना ही प्रॉफिट हो कितना ही आधिक्य हो या समापन के समय जो आधि जो सरप्लस आपके लिए बच जाता है लाइबिलिटीज को देने के बाद उसमें से जो शेष बचता है उसमें केवल और केवल अंशधारियों का अंशधारी में भी पहले प्रेफरेंस का नेक्स्ट इक्विटी का होता है लेकिन और ऋण पत्र को केवल जो उनके निश्चित ब्याज दर है उसके हिसाब से उनके ब्याज उनको मिल जाए बस इतना ही उनका हक होता है नेक्स्ट देखिए देखिए मैंने आपको बताया कि डिबेंचर के इश्यू की जो एंट्रीज़ हैं वो सेम एंट्रीज वही होंगी जो हम शेयर्स की करते हैं बस वहाँ पे हमें इक्विटी शेयर प्रिफ्रेंस शेयर नाम ना लगा के हमें डिबेंचर लिख देना है एंट्रीज आपकी इंग्लिश में ही होंगी आप लोग पहले भी करते आए हैं और एंट्रीज में जैसे आप लिखते हैं एप्लीकेशन तो डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर अलाटमेंट डिबेंचर फर्स्ट कॉल डिबेंचर सेकेंड कॉल तो इस तरीके से आप लिखेंगे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब हम आ, इक्विटी शेयर कैपिटल हम लिखते हैं और प्रफ्रेंट शेयर कैपिटल हम लिखते हैं क्योंकि वो पूंजी होती है यहाँ पर डिबेंचर हमारी पूंजी नहीं है तो यहाँ पर डिबेंचर कैपिटल वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है डिबेंचर के साथ कभी भी कैपिटल वर्ड आप यूज़ नहीं करेंगे तो देखिए ऋण पत्रों पर ब्याज क्योंकि ऋण पत्रों पर ब्याज एक निश्चित जो परसेंटेज है निश्चित परसेंटेज के साथ पेबल होता है तो देखिए जब कंपनी एंट्री करती है तो किस तरीके से करती है ब्याज के भुगतान करने की प्रविष्टि डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नरेशन होगा डिबेंचर इंटरेस्ट पेड क्योंकि कंपनी के खाते से पैसा गया है किस नाम पे गया है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट नाम से एक खाता खुलेगा उससे गया है तो ये आपकी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी अब जब ये इंटरेस्ट आप देते हैं तो उसके ऊपर आपको टी भी काट के देना पड़ता है तो देखिए साथ में आप टू टी की भी क्रेडिट साइड में एंट्री लिख देंगे फिर उसके बाद कंपनी द्वारा उद्गम स्थान पर काटे गए घर को सरकारी कोष में सात दिनों में जमा कराना होता है कंपनी इस काटे हुए टी को अब देखिए पहले खाता खोला था तो ये क्रेडिट हो गया था अब ये डेबिट हो के हम इसे कहाँ जमा करा देंगे बैंक अकाउंट में यदि लेखा वर्ष के अंत में ऋण पत्रों पर ब्याज बकाया अथवा उपार्जित तो क्योंकि मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया लेकिन आपके डिवेंचर आपको जब मिलने की तारीख है वो अभी नहीं आई है यानी आपने अर्न कर लिया उपार्जित हो गया लेकिन आप पेमेंट उसका बाद में होना है तो किस तरीके से आप लिख करेंगे एंट्री डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग ऑब्लिक एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यानी आप उसको आउटस्टैंडिंग करके एक्रूड करके यहाँ पे छोड़ देंगे नेक्स्ट देखिए लेखा वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में ब्याज की राशि स्थानांतरण करने पर पी एन एल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट क्योंकि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसा निकलेगा पैसा जा रहा है तो डेबिट में जाएगा किस नाम पे जा रहा है तो डिवेंचर इंटरेस्ट फिर वही नेक्स्ट करेंगे हम अगले लेखा वर्ष के प्रारंभ में अदत या उपार्जित ब्याज की निम्नलिखित विपरीत प्रविष्टि हम कर देंगे उ पे करने पर आउटस्टैंडिंग एक्रूड इंटरेस्ट इन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की एंट्रीज देखेंगे क्योंकि क्योंकि जब हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं तब हम उसके शोधन की शर्तों को ध्यान में रखते हुए एंट्रीज करेंगे तो इसकी जो एंट्रीज होंगी जो नॉर्मल एंट्रीज होंगी जब शोधन की कंडीशंस को ध्यान में रख नहीं रखा जाएगा तब वो एंट्रीज बिल्कुल नॉर्मल होंगी जैसे कि हम शेयर्स को इश्यू करते टाइम करते आए हैं लेकिन जब हम इसकी शोधन की शर्तों को ध्यान में रखते हुए एंट्री करेंगे तब वो एंट्रीज थोड़ी अलग होंगी तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे